हेलो गाइस, कॉम्बो चेंज करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले निकालनी पड़ेगी सिम ट्रे एंड देन बैक पैनल को खोलना पड़ेगा बहुत ही आसानी के साथ। उसके बाद बैक पैनल खोलने के बाद बैटरी का कनेक्शन निकाल के प्लग आउट करके बैटरी को भी बहुत ही आराम से निकालना पड़ेगा। एंड बैटरी निकलने के बाद हमको कॉम्बो भी डिसअटैच करना पड़ेगा। ये करने के लिए बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है। एंड देन फुल सारे सामान का शूट आउट लेके उसके बाद हम लोग निकालते हैं अपना नया ब्रांड न्यू कॉम्बो मॉक्सी का ब्रांड न्यू कॉम्बो। एंड देन हम लोग सबसे पहले कॉम्बो को अपनी जगह पर फिक्स करके उसको फिक्स करने के बाद हम लोग ये चेक करेंगे कि कॉम्बो वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। एक तरीके से कॉम्बो की टेस्टिंग करने के बाद हमको बहुत ही अच्छी तरीके से टेस्टिंग करनी पड़ेगी उसके ब्राइटनेस की एंड टच सेंसिटिविटी की। उसके बाद हम लोग लगाएंगे ग्लू जो कि बहुत ही प्रीमियम ग्लू है, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है। और ग्लू लगाने से पहले जो ओल्ड ग्लू होता है वो हमको निकालना पड़ता है ताकि कॉम्बो अच्छे से अपनी जगह पर चिपक सके। एंड देन कॉम्बो लगाने के बाद और ये ध्यान रखना है कि कॉम्बो बहुत ही आराम से लगाना है बिकॉज अगर थोड़ा सा भी डैमेज हुआ तो आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। एंड बैटरी को कॉम्बो का अपनी जगह अटैच करेंगे एंड बैटरी को भी सही से लगा देंगे। उसके बाद एंड देन कॉम्बो लगा के एंड बैटरी को अपनी जगह फिक्स करके एक बार कॉम्बो को फिर से देख लेते हैं कि वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी फ़ोन हमारा ओपन है। अगर फ़ोन हम लोगों ने फिर से अटैच कर दिया तो फिर दिक्कत होगी। एंड अपनी नट बोल्ट को सब सही जगह लगाते हुए फिंगरप्रिंट सेंसर को प्लग इन होने दीजिए, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड प्लग इन होने के बाद बैक पैनल को कर देते हैं अपनी जगह फिक्स। उसको फिक्स ही बहुत ही अच्छे से करेंगे और साथ ही साथ उसको चेक भी प्रॉपर तरीके से करेंगे। एंड देन उसकी ब्राइटनेस एंड वगैरह चीज़ चेक करने के बाद हम लोग टच सेंसिटिविटी चेक करेंगे एंड उसमें लगा देंगे रबर बैंड ताकि कॉम्बो अच्छे से फिक्स हो सके। रबर बैंड बहुत ही अच्छे से लगाना होगा एंड लगा देते हैं सिम ट्रे। उसके बाद रबर बैंड हम लोगों को चारों तरफ से लगाना पड़ेगा। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।